जयसु सभी को स्वागत है आपका आज की शाम की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आराधना में आपकी ज़रूरतों के लिए, समस्त संसार की ज़रूरतों के लिए, हमारे देश की ज़रूरतों के लिए प्रभु से मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उसके पहले हम प्रभु की आराधना में चलें। वेदी पर विराजमान यीशु परम प्रसाद के संस्कार में हमारे बीच में आएंगे। सबसे पहले हम उनकी आराधना करें, स्तुति करें, वचन को सुनें, क्योंकि वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम वचन सुनते हैं हमारे जीवन में कार्य होने लगते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कृपा ध्यान देकर प्रभु के वचन को सुनते जाना है और आप आशीर्वाद पाते जाएंगे। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग निराश हैं, परेशान हैं, वचन को सुनिए, वचन आपको ढारस देगा, है ना। तो उसके बाद हम चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और तुरंत इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना योगदान देंगे। चलिए आइए इस समय हम प्रभु की आराधना में चलेंगे और प्रभु की महिमा करें। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाइए कर गाए। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु
सिर झुकाई। यीशु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो।
प्रभु यीशु तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, दिल से करें हम आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आराधना, पावन प्रभु तेरी आराधना। आनंद के साथ संग करूं आराधना, सृष्टि के संग करूं आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। गीतों से तेरी आराधना, गीतों से तेरी आराधना। हालेलुया 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 संतों के संग आराधना, हाथों को उठा कर आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। घुटनों पे आके आराधना, दंडवत करूं तेरी आराधना। हालेलुया 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 आत्मा से भर कर आराधना, रू में करूं तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया प्रभु की आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 हाथों को उठा कर आराधना, सब लोगों के संग आराधना। हालेलुया 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 आराधना 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 मेरे पिता की आराधना। आराधना आराधना तेरी
जीवन का जल प्रभु यीशु मेरा। सागर कृपा करना को प्रभु यीशु तोड़ दे। रोगियों को तू चंगा कर दे। जीवन से अपने हमें भर दे। पवित्र आत्मा से हमें भर दे। बोलो अपने प्यार से हमें भर दे। अपनी शांति से हमें भर दे। दया 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 करो। तारीफ करो तारीफ। कृपा सागर करुणा सागर दया करो। क्षमा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तोड़ दो यीशु तोड़ दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे बंधनों को तोड़ दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ जाइए पवित्र आत्मा छा जाइए। हम में से हर एक को तू छू ले। अपने हाथों से हमें छू ले। दिल मेरा खुशियों से तू ही भर दे। दिल मेरा आनंद से तू ही भर दे। मेरी निराशा को दूर करो। मेरी उदासी को दूर करो। शैतान के बंधन से मुझे छुड़ाओ। तेरे पावन लहू से मुझे धो दो। धो दो प्रभु धो दो प्रभु। इस जगह को धो दो प्रभु। इस जगह को धो दो प्रभु। बोलो हालेलुया हालेलुया।
छम छम बरसा अग्नि बरसा तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे खुल जाए स्वर्ग द्वार अब खुल जाए स्वर्ग द्वार अब खुल जाए हो जाए दर्शन हमको हो जाए दर्शन हमको हो जाए यीशु तेरी महिमा हो पिता तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा महिमा हो हल्लेलुया 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 एक साथ एक साथ एक साथ हल्लेलुया 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 बार बार गाते जाइए मुख खोलिए हल्लेलुया 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 इब्राहिम के ईश्वर की आराधना याकूब के ईश्वर की आराधना प्रभु की आराधना करते हुए कहिए इब्राहिम के ईश्वर की आराधना याकूब के ईश्वर की आराधना इस्राएल के ईश्वर की आराधना इसहाक के ईश्वर की आराधना इस्राएल के ईश्वर की आराधना इसहाक के ईश्वर की आराधना मेरे भाई मेरी बहन इस समय वही परमेश्वर जो इसराइलियों के संग संग चलता था जो बादल का खंभा बनकर उन्हें रोशनी देता था जिसने चट्टान से पानी को निकाल दिया जिसने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया वही भीषण और शक्तिशाली परमेश्वर इस समय हमारे बीच में उपस्थित है हम उनकी आराधना करें इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं वचन कहता है हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है वही परमेश्वर इस समय इज़राइल का परम पावन यहोवा परमेश्वर जो यीशु के रूप में इस धरती पर उतर आया वही परमेश्वर हमारे बीच में इस समय है इस समय हल्के में ना ले परमेश्वर अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ यहाँ पर उपस्थित है वही परमेश्वर जो इस्राएलियों के सामने सिनाई पर्वत पर उतर आया और सिनाई पर्वत प्रभु की महिमा से भर गया ईश्वर ने आदेश दिया इसके चारों ओर कोई ना आए इस पर्वत का स्पर्श तक ना करना नहीं तो तुम मारे जाओगे केवल मूसा जा पाया उस प्रभु की उपस्थिति में जा पाना कितना कितना अच्छा है कितना सुखद है मेरे भाई मेरी बहन इस समय परमेश्वर की आराधना करें सीरियस हो जाएं ना केवल होठों से बल्कि दिल की गहराई से आत्मा से उसकी आराधना आने दीजिए होने दीजिए परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में इसी समय यीशु की महिमा आपके चारों ओर चमक उठे
वही यीशु जो हमारे खातिर सूली पर चढ़ गया, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वही परमेश्वर इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। उस प्रभु की आराधना करते जाएंगे, महिमा करते जाएंगे, स्तुति करते जाएंगे। इस्राएल के ईश्वर की आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, इस्राएल के ईश्वर की आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, इसहाक के ईश्वर की आराधना, इस्राएल के ईश्वर की आराधना, इसहाक के ईश्वर की आराधना, 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 इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, इसहाक के ईश्वर की आराधना, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, इसहाक के ईश्वर की आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, सब संतों के संग आराधना, के जल की आराधना, जीवन की रोटी की आराधना, जीवन के जल की आराधना, जीवन की रोटी की आराधना, जीवन के जल की आराधना, जीवन
जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, चंगा करने वाले की आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, मेरा हृदय, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, मुझे अपने प्रभु से, मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है, बल मिलता है, समस्त पृथ्वी, समस्त सृष्टि प्रभु का भजन सुनाओ, प्रभु का भजन सुनाओ, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो,
उसका मुक्ति विधान घोषित करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु आज की इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान बहुत सारे लोगों को आपका स्पर्श मिले आपकी चंगाई मिले अपना दाहिना हाथ इन पर रखकर इन्हें चंगाई प्रदान कीजिए हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद। पवित्र वचन कहता है नहेम्या का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 उठो प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो जो सदा सर्वदा धन्य है तेरा महिमामय नाम धन्य है वह समस्त गुणानुवाद के परे है हालेलुया। हे प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम के लिए आपके बलिदान के लिए आपने मेरे लिए अपने शरीर पर 40 कोड़े खाए क्रूस के नीचे गिरा जल्लाद तुझे मारते थे तेरे मुंह पर थूकते थे तूने अपनी दाढ़ी नोचने के लिए अपना मुंह उनके सामने कर दिया मेरे पापों के कारण मेरी गलतियों के कारण छेदित किया गया हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए मुझे क्षमा कीजिए हालेलुया। दयालु प्रभु ईश्वर तू सदा सर्वदा धन्य है तेरा पवित्र नाम सदा सर्वदा धन्य है तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहें हालेलुया। हे प्रभु यीशु आप आदि और अंत हैं सदा बने रहने वाले प्रभु हैं मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता हे प्रभु यीशु मैं रात में भी तुझे पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है और इसराइल तेरा स्तुतिगान करता है हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों प्रभु की स्तुति करो उसके मंदिर में उसकी स्तुति करो उसके पवित्र स्थान पर उसकी स्तुति करो हे इसराइल हे याकूब के वंशजों अपने प्रभु की स्तुति करो हालेलुया। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ स्तुतिगान करना उसके लिए उचित है समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ उल्लसित होकर उसकी महिमा करो उसका जय जयकार करो हे प्रभु यीशु आज की संध्या वंदना आपको पसंद आए मेरे होठों से निकला हुआ स्तुति का हर एक शब्द आपको महिमा प्रदान करे हे प्रभु यीशु आपका वादा है कि आप वो सहायक पिता का आत्मा हमें प्रदान करेंगे जो हमारी अस्पष्ट आँखों को जानता और समझता है हमारे हृदय के अंतरतम में पहुँच कर वो हमारे हृदय के भावों को हमारे
हमारे हृदय के भाव जान लेता है। हे प्रभु यीशु, अपनी प्रजा पर दया कर, जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं इन्हें स्पर्श कीजिए, तेरे रूह का मसा इन पर छा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। प्रभु की ओर देखें, अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाएं। हम वचन में पढ़ते हैं सामुएल के ग्रंथ में कि प्रभु ने सामुएल से पूछा, बोल मैं तुझे क्या दे दूं। उसने कहा, प्रभु मुझे विवेक का ज्ञान, विवेक प्रदान करो। और प्रभु ने उसे विवेक का वरदान प्रदान किया। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं ना तो सोना चाहता हूँ, ना चांदी तुझसे चाहता हूँ, मैं बस एक ही बात चाहता हूँ कि मैं सदा तेरी हजूरी में रहूँ, मैं तेरे चेहरे की ओर देखता रहूं। जैसे दास की आंखें अपने स्वामी पर टिकी रहती हैं, वैसे ही मेरी आंखें तेरे हाथ पर और तुझ पर टिकी रहें। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, तू आ, तू आ, रूहे पाक खुदा बंद आ, विश्वास के साथ जाहिर हो जलाल में, जाहिर हो ए बाप तू, जाहिर हो जलाल में, जाहिर हो ए बाप तू, जाहिर हो जलाल में, जाहिर हो ए बाप तू, जाहिर हो जलाल में, जाहिर हो। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा मुनावर हो। ना मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। एक साथ मिलके बस हो लूं तेरे साथ, मैं खोजूं तेरा साथ, बस बोलूं तेरे साथ, मैं खोजूं तेरा साथ, बस हो लूं तेरे साथ, मैं खोजूं तेरा साथ, बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में, इस घर में,
रिहा हो। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। सब लोग मिलके गाइए। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रब उल्लफवाज तू, धरती मुलयाम तू। रब उल्लफवाज तो धरती मुलयाम तो, रब उल्लफवाज तू धरती मुलयाम तू। रब उल्लफवाज तो धरती मुलयाम तो, रूप तेरा तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। अपने हाथों को उठा के दुआ दुआ रूहे पाक खुदा खोल के
तुम्हें पाक खुदावंद आ। रूह का मसा ग्रहण करें, उसका अभिषेक आप पर उतरे, उसकी शांति आपके घर में, उसकी चंगाई आपके घर में उतरे, आपके होंठों को, आपके कानों को, आपको पूरे शरीर को मसा करें, आपके परिवार को, आपकी चौखट, आपके बिछौनों को, आपकी तिजोरियों को, आपकी मेहनत मजदूरी को, आपके घर में इस्तेमाल की जाने वाली हर एक चीज को प्रभु मसा करे, अभिषेक करे, शुद्ध करे, पवित्र करे। जितने भी लोग इस वक्त इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं, सबके सब प्रभु का अभिषेक ग्रहण करो। yes. आत्मा आप पर अधिकार ले। yes. पिता का नूर आपके ऊपर चमके। yes. आपके घर के चारों ओर उसके फरिश्तों का बाड़ा लग जाए। आमीन। आपके घर में प्रभु के पावन क्रूस इस वक्त लग जाए। आमीन। यीशु का आत्मा आप लोगों की अगुवाई करे। आमीन। आपके एक एक व्यक्ति के मन, हृदय, आत्मा के ऊपर उसका अधिकार हो जाए। आमीन। उसका पवित्र वचन आपके हृदयों में इस वक्त निवास करने लग जाए। आमीन। आपका हृदय उसके वचन को ग्रहण करने के लिए खुल जाए। आमीन। आपकी आत्मा उसकी चंगाई को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। यीशु के स्वर्ग दूतों की सेना आपके घर में इस वक्त आपके साथ में रहे। आमीन। आपको हर एक बुराई से, हर एक चिंता से और हर एक दुख से, हर एक कष्ट से, हर एक निराशा से आपको आजाद करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। बोल, तेरा दास सुनने को तैयार है। बोल, तेरा दास सुनने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में रह जाइए। मेरे घर में रह जाइए। आपके मेरे यहाँ रहने से, आपके मेरे यहाँ रहने से मेरी समस्याओं का समाधान होगा। मेरी समस्याओं का समाधान, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम नित्य प्रतिदिन अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, उसको सुनते हैं। वो रोजाना वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु अपनी संपूर्ण उपस्थिति में इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में रहता है। कई लोगों की धारणा है कि प्रभु इस रोटी के टुकड़े में किस तरह से रह सकता है। वे पवित्र संस्कार में विश्वास करने में असमर्थ हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37, प्रभु कहता है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो जो व्यक्ति इस बात को इनकार करता है या विश्वास नहीं करता है कि ईश्वर इस रोटी के टुकड़े में कैसे रह सकता है, तो वो सुसमाचार के इन वचनों पर विश्वास नहीं करता कि जो बातें आपके और मेरे लिए असंभव हैं, वो ईश्वर के लिए संभव हैं। इसलिए जो लोग इस बात को कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक रोटी के टुकड़े में ईश्वर निवास कर सकता है, तो उनके लिए परमेश्वर वचन देता है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हम लोग बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ पवित्र संस्कार की, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी विश्वास के साथ हजारों लोग संध्या के समय आप हम लोगों के साथ जुड़ते और प्रार्थना करते हैं, और हम प्रभु की वेदी पर खड़े होकर उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7,
हम सभी लोगों को अधिकांशता ये वचन मालूम है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इसी विश्वास के साथ मसीह लोग, विश्वासी लोग प्रभु के सामने आते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं। वी ऑफर एवरी डे आवर इंटरसेशंस टू द लॉर्ड, बिलीविंग इन हिज वर्ड्स व्हाट ही हैज सेड जस्ट नाउ इन द गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 7:7। परंतु उसी अध्याय में, पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, उसी अध्याय में पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, अरे कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे और आपको प्रार्थना के साथ साथ, आराधना के साथ साथ, अच्छे कामों के साथ साथ प्रभु की इबादत में रहना, उसके वचन पर भरोसा करना और अपने जीवन को प्रार्थनामय बनाना, यह निहायत ही जरूरी है। हमारी कथनी और हमारी करनी में, प्यारे भाइयों और बहनों, समानता होने की आवश्यकता है। यदि हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं है, अगर इनमें अंतर है, तो यह स्वाभाविक है कि हम ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बने रहेंगे। यह प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। इसलिए हम प्रार्थना तो करते परंतु हमें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना में और हमारे कामों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत सारा अंतर है उसमें। तो याकूब इसके विषय में हमें बताता है, वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 3 में, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4:3 पद संख्या 2 से हम पढ़ेंगे। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं, आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसीलिए झगड़ते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता, जब आप मांगते भी हैं तो आप इसीलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की लालसा और धन की प्रार्थना करते हैं। ये वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें मिलता क्यों नहीं है। तो याकूब इसके विषय में स्पष्ट करता है कि आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरा घर बन जाए, प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, प्रभु मेरा वीजा लग जाए, प्रभु मेरी फाइल आगे बढ़ जाए, प्रभु मेरी पेंशन मुझे मिल जाए, प्रभु मेरी लड़की की शादी हो जाए, प्रभु मेरे अच्छा दामाद मिले, प्रभु मेरी अच्छी देवरानी मिले, प्रभु मेरे इस काम को हो जाए, स्वार्थ की प्रार्थना। परंतु वचन हमें क्या बताता है, नित्य प्रतिदिन
ईसा मसीह के द्वारा पिता ईश्वर की इच्छा यह है कि आप धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित किया करें। आपका मन, आत्मा और हृदय ईश्वर में संतोष प्राप्त करें। तो जब संतुष्टि का धन और कृपा आपके और मेरे जीवन में आ जाती है तो सब धन धूल के समान हो जाता है। इसलिए एक दोहा याद है मुझे, बचपन में जब छोटा था तो मैं कंठस्थ किया करता था। इन दोहों को जब हम हिंदी की विषय में पढ़ते थे, जब आवे संतोष धन सब धन धूल ही समान, कि जब संतुष्टि का धन इंसान के जीवन में आ जाता है तो बाकी के सारे धन उसे धूल के समान लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय था, मैंने आपसे पहले भी बताया, जब मैं चीजों के पीछे दौड़ता था, गैजेट्स के पीछे दौड़ता था, बहुत सारी चीजों को, गैजेट्स को कमरे में लाके रखना, सजाना, शोकेस सजाना, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को सजाना। आज वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब काम ही नहीं आते हैं, उनसे कुछ यूज करना ही नहीं बनता है, मौका ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता कि उनको हम इस्तेमाल करें, उनके ऊपर धूल जम रही है। मुझे तबला बजाने का बहुत शौक है तो मैंने तबला बजाना सीखा, तो बेस्ट ऑफ द तबले का सेट मेरे पास, तीन तीन सेट हुआ करते थे, अब भी तीन सेट पड़े हुए हैं, 5-6 साल से उसको छुआ ही नहीं, बजाया ही नहीं, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि सब कुछ पड़ा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, अब संतुष्टि इसमें रहती है कि कितना हम प्रभु का वचन और कीर्तन कर सकें और लोगों को आकर्षित कर सकें। अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऐसे लगता है वो बेकार है। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं, लालसाएं, जब बच्चा एडोलेसेंट होता है या टीनेजर होता है या थोड़ा और युवक होता है तो उसे इन सारी चीज़ों की इकट्ठा करने की आदत होती है। कई लोगों को ऐसे सामान इकट्ठे करने की आदत होती, कमरे भरने की आदत होती, लेकिन जो प्राथमिकता है उसको वो भूल जाता है। तो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो धन की प्रार्थना है, स्वार्थ की प्रार्थना है, शारीरिक चीजों की जरूरत को पूरा करने की प्रार्थना है। परंतु परमेश्वर क्या हमसे चाहता है कि वो आपकी ये सारी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता वो ये है कि हम पाए हुए वरदानों के लिए नित्य प्रतिदिन उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया करें। योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में एक सुंदर वचन प्रभु हमें देता है कि यदि तुम मुझ में रहो तो जो मांगो वह तुम्हें दे दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और जो भी मांगो तो वह तुम्हें दे दिया जाएगा। अध्याय 15 पद संख्या 7 योहन का सुसमाचार, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे और इसे याद करेंगे। प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, और तुम में मेरी शिक्षा बनी तो रहे, चाहे जो मांगो, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा, वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी, इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो, कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न और मेरे शिष्य बने रहो, और मेरे शिष्य बने रहो। ये प्रभु की इच्छा आपके जीवन में सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। एक मसीह को, एक विश्वासी को सर्वप्रथम प्रभु में रहने की आवश्यकता है। और तब वो कहता है, अगर तुम मुझ में रहते हो और मेरी शिक्षा तुम में रहती हो तो तुम जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा।
किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके काम कैसे बन गए, कौन व्यक्ति आपको आकर आपकी मदद करेगा, आपके लिए रास्ते यूं ही खुल जाएंगे और आप आश्चर्य करेंगे और आप चमत्कार देखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, कि प्रभु किस तरह से चिन्ह और चमत्कार करता है। मैं आपको जीता जागता अनुभव बताता हूं। आज से 8 महीने पहले हमने बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की शुरुआत की और लॉकडाउन के दौरान प्रभु ने ये अनुग्रह किया और हम पर यह प्रकट किया लोगों के द्वारा कि हम ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करें। धर्माध्यक्ष जी की इच्छा थी कि जो पल्ली पुरोहित यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी कलीसिया तक इन प्रार्थनाओं के जरिए लॉकडाउन के दौरान पहुंच सकते हैं वो अवश्य इस काम को करें। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमारे रुद्रपुर की कलीसिया को और हमारे इन चुने हुए लोगों को, हमारी टीम को, हमारी धर्म बहनों को यह प्रेरणा दिया कि हम इस आराधना के दौरान बड़ी तन्मयता से, बड़े हृदय के साथ मध्यस्थता करते हुए, उपवास करते हुए, जो हमारे टीम मेंबर्स करते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहे। शुरू शुरू में प्यारे भाइयों और बहनों कुछ 200 व्यूज हुआ करते थे एक आराधना के, रोजरी के 150 व्यूज हुआ करते थे, कुछ 25, 30, 35 लोग हमारे साथ जुड़ते और प्रार्थना करते थे। और आज आप अगर चैनल पर देखेंगे तो 16,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इस आराधना को रोज प्यारे भाइयों और बहनों कम से कम 1500 लोग ऑनलाइन रहकर 2 घंटे प्रभु का वचन सुनते, आराधना करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है, आज भी एक बहन ने फोन किया दिल्ली से और वो बोली कि फादर, कल की आराधना के दौरान प्रभु ने मुझे स्पर्श किया है, आराधना के दौरान मैं आंसू बहा रही थी, मुझे पता नहीं था आंसू कहां से आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगा चंगाई की प्रार्थना के दौरान कि प्रभु ने मेरे अंदर प्रवेश किया है, मैंने उस अनुभव को स्वीकार किया। एक बहन जो बीमार है, उन्होंने प्रभु के स्पर्श को महसूस किया और कल की आराधना के दौरान उन्होंने और उनकी कजन सिस्टर ने रो रो कर प्रार्थना किया और आज उनका मैसेज आया कि उनके लीवर में जो इन्फेक्शन था उसका रिपोर्ट डॉक्टर ने बताया है कि अभी वो ठीक हो रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जब अनुभव और आपकी गवाहियां जब मैं सुनता हूं तो मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी लोगों की धारणा है कि ऑनलाइन प्रार्थना में रहकर अनॉइंटिंग नहीं मिल सकती है, अभिषेक नहीं मिल सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अनॉइंटिंग पाने का, अभिषेक पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप मन में, हृदय में और आत्मा में एक हो जाएं और जब आप मेरे साथ या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो प्रार्थना करते हैं एक मन एक चित्त हो जाते हैं तो वहां प्रभु चमत्कार करता है और आपको स्पर्श करता है। उसका वादा है कि धरती के ऊपर जहां कहीं भी 2 व्यक्ति एक मत होकर मुझसे मांगेंगे मैं उन्हें प्रदान करूंगा। इस वक्त 1500 लोग आप जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरे साथ एक मत हैं और प्रभु आपको देने को तैयार है। यह आखिरी तरीका है, परमेश्वर ने अपना वचन का प्रचार करने के लिए चुना कि उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया। जानते हैं आप, नबियों के द्वारा वचन सुनाया गया, यीशु ने स्वयं वचन सुनाया, यीशु के चुने हुए लोगों ने वचन सुनाया, लेकिन बहुत कम लोगों तक पहुंचा। इस दुनिया ने विज्ञान में तरक्की की, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि परमेश्वर ने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज घर घर में प्यारे भाइयों और बहनों नबी की उपस्थिति का आपको आभास करा दिया है।
यीशु मसीह की उपस्थिति का आपको आभास करा दिया इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पिछले दिनों में वचन पढ़ रहा था, बाइबल हमें बताती है कि जब तक ये वचन संसार के कोने कोने में एक एक व्यक्ति तक ना पहुंच जाए तब तक संसार का अंत नहीं आएगा। तो ये वचन पिछले दिनों में प्यारे भाइयों और बहनों इस लॉकडाउन के दौरान हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। हर दिन की आराधना जो हम जिसमें भाग लेते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो लगभग 6,500-7,000 लोग देख चुके होते हैं। तो इतने परिवारों में जब ये वचन सुना जाता है प्रभु का, तो वो आपके परिवार में चंगाई क्यों ना प्रदान करेगा। आप रोते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आपका परिवार इस वक्त एकत्र है, आप अपने बच्चों के साथ अपनी वेदी के सामने एकत्र हैं, आपका परिवार प्रभु की महिमा से भरा हुआ है, उसका वचन आपके घर में इस वक्त चल रहा है। शैतान ने यीशु से कहा कि इन पत्थरों से कह दो ये रोटियां बन जाएं और तुम खा लो इसे और अपनी भूख मिटा लो। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर के कहने से पत्थर रोटी बन सकता है तो उसकी वाणी जब आपके घर में गूंजती है इस वक्त, तो आपके जीवन को परिवर्तित क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि वो तो आग है, आग, वो भस्म कर देने वाली अग्नि है, वो हथौड़ा है प्यारे भाइयों और बहनों जो चट्टान को चकनाचूर कर देता है। इसलिए प्रभु का ये वचन आपके घर में पूरा हो, क्योंकि वो अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है, ये नबी यशाया अपनी पुस्तक में लिखता है। परंतु हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, ये कभी कभी हमें शक होता है, और ये वास्तव में ठीक है, क्योंकि आमोस अपने ग्रंथ में लिखता है अध्याय 5:14-15 में कि तुम बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्व मंडल का प्रभु तुम्हारे साथ होगा। बुराई से बैर करो और भलाई से प्रेम करो। तो आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आप चाहते हैं आपके जीवन में उन्नति आए, आप चाहते हैं कि आप सफल बने, आप चाहते हैं कि आपके जो फाइलें लगी हैं, वीजे लगे हुए हैं, वो प्रॉपरली आपके लिए प्रभु प्रबंध करे। तो प्रभु कहता है तुम सबसे पहले भलाई की खोज करो, तुम सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बुराई की नहीं भलाई की खोज में लगे रहो तभी तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। कई लोगों को जीवन प्राप्त नहीं है, वो जीते जी भी मुर्दों के जैसे हैं, चलते फिरते हैं लेकिन आराम नहीं है, चैन नहीं है, बेचैन है, भटकते फिरते हैं इधर उधर, क्योंकि भलाई की खोज में नहीं है बुराई की खोज में है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ हमें बताता है कि मनुष्य का स्वभाव पाप की ओर है, मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। अध्याय 32:22 में हम पढ़ते हैं कि मूसा जब विधान की पाटियां लेकर पर्वत से नीचे उतरा तो वो क्या देखता है कि लोगों ने, इसराइलियों ने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी एक प्रतिमा बनाई और वे उसकी पूजा करने लगे। जब वो मंदिर पर्वत से नीचे उतर रहा था तो उसने देखा और वो क्रुद्ध हो गया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें इतने घोर पाप में डाल दिया। हारून ने उत्तर दिया, महोदय आप क्रोध ना करें, आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। तो यह हमारा स्वभाव है, यह हाड़ मांस से बने हुए मनुष्य का स्वभाव है कि वो भलाई कम देखता, बुराई ज्यादा देखता है, वो अपनी स्थिति पर विचार नहीं करता है, दूसरों की स्थिति पर ज्यादा विचार करता है, दूसरों के घर पर ज्यादा मनन चिंतन करता है, दूसरों के बच्चों के विषय में ज्यादा मनन चिंतन करता, अपने बच्चों के विषय में नहीं, अपने घर के विषय में नहीं, अपने कामों के विषय में नहीं। क्यों? क्योंकि इनका झुकाव पाप की ओर है। हमारी आंखें, हमारा मन, हमारे कान
हमारा शरीर अधिकांशता बुराई को सुनने देखने के लिए पसंद करते हैं। आप और मैं रोज अपने दिन में आप मनन चिंतन करके देखिए कि हमारा झुकाव किस ओर है, प्रभु के कामों की ओर है, प्रभु की इबादत की ओर है, या हमारे सांसारिक कामों की ओर है, या फिर उस बुराई को देखने की ओर है। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने दोनों चीजें रखी हैं, तुम स्वतंत्र हो, भलाई चुन लो या बुराई चुनो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19, यदि तुम भलाई चुनते हो तो तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा, यदि तुम बुराई चुनते हो तो तुम्हारे जीवन में बुरा होगा। वचन आप खोल के पढ़ सकते हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तो हर मनुष्य को, हर परिवार को, हर युवक को, हर युवती को, हर दंपत्ति को, हर अभिषिक्त को, हर प्रचारक को, हर धर्म संगी व्यक्ति को यह चुनना होगा, भलाई या बुराई, यह प्रभु की इच्छा है। तो आपकी फ्रीडम के ऊपर निर्भर करता है आपकी अनॉइंटिंग, आपकी स्वतंत्रता के ऊपर आपका अभिषेक निर्भर करता है। यदि आप भले कामों को, प्रभु की बातों को चुनते हैं तो उसका मसा, उसका अभिषेक आप पर बना रहता है। इसलिए भजन संहिता 141 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे, हे प्रभु मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। अध्याय 34 स्तोत्रकार पद संख्या 13 और 15 में कहता है कि तुम में से कौन है जो लंबी आयु और अच्छा जीवन चाहता है। स्रोत संख्या 34 पद संख्या 13 से हम 15 में पढ़ेंगे कि तुम में से कौन लंबी आयु चाहता है, लंबा जीवन कौन तुम में से चाहता है, तो तुम ना तो अपने जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। तो अगर आपकी पुकार नहीं सुनी जा रही, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो इसका सीधा सा स्पष्ट कारण है कि हमारी धार्मिकता में कमी है, हमारे भलाई के कामों में कमी है, इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आमोस लिखता है अध्याय 5 पद संख्या 6 में, जीवित रहने के लिए प्रभु को ढूंढना। तुम जिंदा रहना चाहते हो, प्रभु को ढूंढना, मरना चाहते हो तो बुराई को ढूंढना, भलाई को ढूंढोगे तो ईश्वर साथ रहेगा, अगर बुराई को ढूंढोगे तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, ये वचन मेरे जीवन में, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रभु को ढूंढो, प्रभु को ढूंढो, भलाई को ढूंढोगे, भलाई को ढूंढोगे तो ईश्वर साथ रहेगा, ईश्वर साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के ये वचन, आज के ये वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। तो जब हम भलाई ढूंढते हैं, भलाई खोजते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ रहता है। जब हम बुरा करने की सोचते हैं तो आप अपने घर में महसूस करना, देखना, आपको पता लग जाएगा कि आज कुछ गड़बड़ हो गया है, ये गलत काम मेरे जीवन में हुआ, इसकी वजह से ईश्वर की कृपा से मैं वंचित हो गया हूं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है बाइबल में, दाऊद एक सबसे अच्छा उदाहरण है प्यारे भाई और बहनों, जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। दाऊद की इतनी रानियां होने के बावजूद उसकी आंखों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे प्रलोभन में डाल दिया। इतनी रानियां होने के बावजूद वो व्यभिचार कर बैठा, उसकी आंखों ने उस स्त्री की नग्नता को देख लिया और वो ईश्वर की कृपा से वंचित हो गया। हालांकि ईश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था, बचपन से ही ईश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था। जब उसका अभिषेक किया गया था तो वचन हमें बताता है कि दाऊद में ईश्वर का आत्मा निवास करता था।
सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि सामुएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक हुआ और ईश्वर का आत्मा उसके साथ था। सामुएल के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने अपनी दृष्टि को बुरा देखने के लिए इस्तेमाल किया और जैसे ही उसने किया उसका अभिषेक चला गया, उसे सिंहासन से वंचित कर दिया गया, उसे महल छोड़कर भागना पड़ा। और प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद उसने पश्चाताप के आंसू बहाए, पश्चाताप के आंसू बहाए। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं सुलेमान के विषय में कि सुलेमान को परमेश्वर ने ज्ञान का, विवेक का वरदान दिया, न्याय करने का वरदान दिया। परमेश्वर ने उससे पूछा कि बोल, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू क्या चाहता है, मैं तुझे क्या दे दूं। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, कुछ भी नहीं चाहिए, ना हीरे ना मोती ना राजपाट, कुछ नहीं, एक ही बात दे, और वो दे कि मुझे विवेक का वरदान प्रदान कर, ज्ञान का वरदान प्रदान कर। और प्रभु ने उसे दिया। परंतु सुलेमान भी गलती कर बैठा, उसे परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसका उसने उल्लंघन किया और उसका मसा चला गया, अभिषेक चला गया। वो जब युद्ध करने के लिए गया तो वो युद्ध जीत गया तो वो अन्य जातियों की युवतियों को अपनी रानियां बनाकर लेकर चला आया और उसने उसे अपने महल में रखा, जो कि परमेश्वर की ओर से मना किया गया था। कि उसने सुलेमान से कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू युद्ध करेगा, तू जीतेगा, लेकिन तू वहां से कोई भी चीज नहीं लेकर आएगा। लेकिन सुलेमान ने ठीक उसका विपरीत वो कार्य किया और हम पढ़ते हैं वचन में कि उससे वो वरदान ले लिया गया, उसने उस अभिषेक को खो दिया। हम राजा बेलशसर के विषय में पढ़ते हैं जो नबूकदनज़र का बेटा था। तो राजा नबूकदनज़र जब यरूशलेम पर चढ़ाई करके, जो बाबुल का राजा था, वहां से मंदिर में पवित्र पात्रों को उठाकर ले आया था और उसे अपने घर में रखे हुए था, तो एक दिन उसका बेटा बेलशसर अपने साथियों के साथ दावत कर रहा था, वो रात को मदिरा पी रहे थे, तो उसने उपहास करने की कोशिश की और पवित्र मंदिर की वस्तुओं को उसने मंगाया, उस बर्तनों को उसने मंगाया, मेज पर रखा जो यरूशलेम के मंदिर में प्रभु की भक्ति के लिए, इबादत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और उसमें मदिरा डालकर पिया। और वचन हमें बताता है उसी रात को बेलशसर मारा गया, उसी रात को बेलशसर मारा गया। और जब वो दावत कर रहे थे तो उसे एक बड़ा सा हाथ दिखाई दिया और वो दीवार के ऊपर कुछ लिख रहा था, जो कि वचन में बताता इस प्रकार लिखा था, मने मने तकेल उफरासीन, अर्थात ओ राजा, तू तराजू के ऊपर तोला गया लेकिन तू कम पाया गया है। उसके दरबार का कोई भी व्यक्ति इसका तर्जुमा नहीं कर पाया, तो जब दानियल को उसको बुलाया गया तो दानियल नबी ने इस वाक्य का तर्जुमा करके बताया कि इसका अर्थ क्या है, मने मने तकेल उफरासीन। प्यारे भाइयों और बहनों, बेलशसर वहीं पर मर गया। जब कोई कदम बुराई की ओर उठता है तो वो इसी तरह से, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की मसे से, उसके अभिषेक से वंचित हो जाता है। तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? यर्मिया नबी ने कहा, मेरी पीड़ा का अंत नहीं हो रहा, प्रभु क्या बात है? तो इस प्रभु ने कहा, अपना शब्द वापस ले लो, प्रायश्चित करो, पुराना स्वभाव छोड़ दो, तुमने अपनी माता को कोसा है, तुमने अपने गर्भ को जो तुम्हारी माता ने धारण किया था तुमने उसका मजाक उड़ाया, तुम अपने शब्द वापस लो तो मैं तुम पर दया करूंगा, तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा। तुम अपनी जीभ को बुराई मत बोलने दो, कपटपूर्ण बातें मत बोलने दो, तो तुम्हें सुख शांति मिलेगी, तुम्हें लंबी आयु प्रभु प्रदान करेगा। हम वचन में पढ़ते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13, 14 और 15 वचन हम खोलेंगे और पढ़ेंगे। प्रभु ये कहता है, तुम्हारे असंख्य बलदालों से मुझे क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूं, मैं साढ़ों और मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो
तो कौन तुमसे ये सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण में क्यों रौंदते हो? मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर मत आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं में अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई। ये मेरे लिए असहाय भार बन गए हैं। जब तुम हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। सीक टू डू ऑलवेज गुड थिंग्स, सीक फॉर द गुडनेस। तो आज का जो मुख्य विषय जिस पर प्रभु आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता है वो ये है कि आप भलाई करना सीखें, पवित्रता में बने रहना सीखें, प्रार्थना के द्वारा अपने आप को प्रभु की हजूरी में बनाए रखें। अध्याय 59 नबी साइस का ग्रंथ हम पढ़ते हैं, यदि आप भलाई खोजेंगे तो उसका हाथ जो बचाने में समर्थ है, उसका हाथ छोटा नहीं है जो आप तक पहुंच नहीं सकता है, उसका हाथ बचाने में समर्थ है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। वो हाथ इस वक्त आपके घर पर छाएगा, आप पर उतरेगा। कई लोग इस वचन को महसूस करते हैं जो रिसीव करते हैं अनॉइंटिंग, कि प्रभु आपके घर में आपको मसा प्रदान करता है। कल शाम के समय लगभग 7:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति आया। 2011 में उसने प्रभु में विश्वास किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बहुत लंबे समय तक उससे वंचित रहा। हालांकि मन ही मन में वो विश्वास किया करता था और प्रभु के बातों को सुनता था। तो उसका मन परिवर्तन कहां से हुआ? वो हमारे धर्म प्रांत में बरेली में रिक्शा चलाया करता था, ऑटो रिक्शा। तो वहां पर एक चर्च है, उसकी चार दीवारी पर प्रभु के वचन लिखे हुए थे। तो उन वचनों को उसने पढ़ा। जब वो उन वचनों को पढ़ता था तो कल शाम के वक्त वो मुझे बता रहा था, यहां मिलने के लिए आया था, कि फादर जी उन दिनों मुझे वो समझ में नहीं आए, पर मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं चर्च में जाऊं, लेकिन लोगों ने मुझे भड़काया और मुझे जाने नहीं दिया, और मैं बड़े लंबे समय तक मैं ऐसे यूं ही वंचित रहा। कई बार जब मैंने जाने की कोशिश की परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। कुछ महीनों से उसने यहां पर आना शुरू किया था, वचन को सुनना शुरू किया था, तो उसने अपने जीवन में उन दिनों को याद किया। 2011 की बात प्यारे भाइयों और बहनों। और कल उस व्यक्ति ने मुझसे कहा और अंगीकार किया बड़े विश्वास के साथ, फादर यह बीज 2011 में बोया गया था लेकिन अब उसका फल मुझे मिल रहा है। मैंने कहा कैसे? तो उसने अपना एक अनुभव बताया कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं एक 3-व्हीलर चलाता हूं, और कुछ दिनों के पहले इस लॉकडाउन के दौरान उसका 3-व्हीलर चल नहीं रहा था और हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं, कोई मुझे जो उनके जानने वाला है, प्रभु के मंदिर में उनको ले आया कि तुम वहां पर जाओ, प्रभु से मांगो, क्योंकि उसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, अगर आप मांगोगे तो वो तुम्हें अवश्य देगा। वो आया, इधर प्रार्थना करके गया, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उसका कहना था कि मुझे पता नहीं कि हालांकि मेरे पास कुछ धन नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु उस दिन से मुझे मन ही मन और मेरे परिवार में शांति को महसूस करना मैंने शुरू किया। जिन चीजों के लिए मैं परेशान रहता था, अब मैं उन चीजों के लिए परेशान नहीं रहता हूं। मैं विचलित नहीं हूं। मेरा ऑटो भी चलने लगा, मेरी कमाई भी होने लगी, मेरे घर में शांति भी आने लगी, और जिस दिन से मैं इस वचन को सुनता हूं, आराधना को सुनता हूं, मुझे बड़ी शांति मिलती है। और एक दूसरी बात उसने मुझसे कही कि मेरे घर में एक बूढ़ा पिता है, जब आपने इन वचनों को बोला, प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पिता की सेवा शुश्रूषा कभी नहीं भुलाई जाएगी, पिता की सेवा करना
आपके पापों का प्रायश्चित है। और वो कहने लगा, मैं बड़ा पापी इंसान हूं, अगर ये वचन सच है तो मेरे जीवन में ये बात पूरी हो जाए कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। वो मेरे पैरों पे गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। मैंने प्रभु के नाम पर उससे कहा, आपने जैसा विश्वास किया वैसा आपके जीवन में हो जाए। वो कहने लगा, मेरा बूढ़ा पिता है, चल फिर नहीं सकता, मैं उसके साथ रहता हूं, मैं उसकी देखभाल करता हूं। तो मैंने कहा, आप प्रभु के राज्य से दूर नहीं है, आपने जैसा विश्वास किया आपके जीवन में वैसा हो जाए। तो ये चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु जीवन में करता है, जब हम उसके पास लौटते हैं, जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। प्रभु कहता, अपने आप को शुद्ध करो क्योंकि तुम शुद्ध नहीं हो, स्नान करो जिससे कि तुम प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओ। मेरी आंखों से अपने बुरे कामों को दूर करो, भलाई खोजो, भलाई करो और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। जीवित रहने के लिए प्रभु को ढूंढना। प्रभु ने इसराइलियों से कहा, ओ इसराइलियों तुम क्यों मरना चाहते हो, ये पुराने रास्ते छोड़ो, इन सारी बातों को बदकारियों को त्यागो और मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये प्रभु आज हमसे बात करना चाहता है। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें और भलाई खोजें और प्रभु की महिमा में सदा बने रहें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु की स्तुति करें। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए, 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 खुल जाए। यीशु तेरे नाम से पाप क्षमाप हो जाए, यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा सब हो जाए, यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा सब हो जाए, यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा सब हो जाए, हो जाए हो जाए पाप क्षमा सब हो जाए, हो जाए हो जाए पाप क्षमा सब हो जाए, यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाए, यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए, यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए, यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए, हो जाए हो जाए रोगी चंगे हो जाए, हो जाए अधिकार ले अधिकार ले अधिकार, हो जाए अब हो जाए रोगी चंगे हो जाए, हो जाए प्रभु यीशु के नाम से रोगी चंगे हो जाए, यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए, यीशु तेरे नाम से लहू से हम सब धुल जाए, यीशु तेरे नाम से लहू से हम सब धुल जाए, यीशु तेरे नाम से लहू से हम सब धुल जाए, खुल जाए खुल जाए लहू से हम सब खुल जाए, खुल जाए खुल जाए लहू से हम सब खुल जाए, खुल जाए अब खुल जाए लहू से हम सब खुल जाए, खुल जाए खुल जाए लहू से हम सब खुल जाए, यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए, यीशु तेरे नाम से सारे बंधन
तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए। यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए। यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा सब हो जाए। यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा सब हो जाए। यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए। बोलिए बोलिए बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा सब हो जाए। यीशु तेरे नाम से पाप क्षमा सब हो जाए। यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए। यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे हो जाए। यीशु तेरे नाम से चमत्कार 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 हो जाए। हो जाए चमत्कार हो जाए। हो जाए हो जाए चमत्कार हो जाए। हो जाए अब हो जाए चमत्कार हो जाए। हो जाए हो जाए चमत्कार हो जाए। देख साथ ताली बजाते हो। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से का बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से कैंसर का बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से कर्ज का बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से कर्ज का बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से शापों के बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से शापों के बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से गुस्से के बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से गुस्से के बंधन खुल जाए। हो खुल जाए वचन कहता है यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारा घाव भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। लेवी के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे कि तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे कि तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। परमेश्वर की इच्छा थी, यह उसकी सोच थी कि आप और मैं पाप की दासता की गुलामी में ना रहें,
इसलिए स्त्रोत संख्या 107 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला और उसने उनके बंधन तोड़ डाले। आपके शरीर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से प्रभु वह नित्य प्रतिदिन उस बुराई के बंधनों को तोड़ता, श्रापों के बंधनों को तोड़ता है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि वो अंधकार के बंधनों को और मृत्यु की छाया से उन्हें निकालता है और उनके बंधनों को तोड़ता है। जो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं करें, संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाएं। इस वक्त प्रभु आपके घरों को, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, चौखट बिछौनों को आशीषित करें। जो मानसिक रूप से परेशान हैं, चिंता में हैं, जिनको वर और वधु की तलाश है, प्रभु आज आपको इन सारे वरदानों से मसा करें, भरपूर करें। कुछ नव युवतियाँ जो अपने लिए वर की तलाश कर रही हैं, प्रभु आपके लिए वर को ढूंढ चुका है। रिसीव करना, प्रभु के आदेश का पालन करना और इस प्रार्थना में आर्त निवेदन के साथ प्रभु की चंगाई और उसके अभिषेक की याचना करना। दया करने वाले, चंगा करने वाले अब्बा पिता, प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, याद कर जो तेरे पास आया तूने काली आंख नहीं लौटाया। अंधों को आंखें, बैरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। तू अपने भक्तों के आगे आगे रहता था, तू उनकी ओर से युद्ध लड़ता था, तेरा दूत उनके आगे आगे चलता था, तू बादल के खंभे के रूप में उनकी देखभाल करता, रात को प्रकाश के बादल के रूप में उनके लिए रास्ता तैयार करता था। अपने चुने हुए सेवक सेविकाओं, धर्म पुरोहितों, धर्म बहनों पर दया कर, धर्माध्यक्षों पर दया कर, संत पिता पर दया कर, सभी पासवानों और प्रचारकों पर दया कर, जितने भी घरों में आज का ये वचन सुना गया, जिन्होंने इबादत किया, आंसू बहाया, स्तुति की, आराधना की, वंदना की है, उनके परिवारों में तेरी रूह की आग उतरे, तेरे रूह का मसा छाया रहे। इनके परिवारों से हर बुराई का आत्मा प्रभु यीशु डिस्कनेक्ट करता हूँ। हर प्रकार की बदकारी, मानवीय कमजोरी, हर प्रकार की दुर्बलता, मानसिक कमजोरियां, हृदय के रोग, पाप के बंधन, रसौलियां, कर्ज की आत्मा, हर प्रकार की दुष्टता, शैतानी ताकतें और जादू तंत्र मंत्र टोने की आत्मा, इनके शरीरों, आत्माओं, परिवारों से डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरे पवित्र लहू से इन्हें कवर करता हूँ। इनके घर के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूँ। वो जो लहू तूने मेरे और इन सबके लिए बहाया और उस लहू के द्वारा मेरे जीवन का मूल्य अदा करके मुझे खरीद लिया, तेरी इस प्रजा पर दया कर जो इस वक्त आंसू बहा रही है, जो प्रायश्चित कर रही है, जिसने दर्शनाभिलाषी होकर अपने निवेदन तेरे चरणों में रखे हैं, इन्हें सुन और कबूल कर और इनके जीवन में शांति प्रदान कर। जिन दंपतियों में मनमुटाव है उनके ये मनमुटाव दूर हो, पतियों के मन परिवर्तन हो, पति पत्नी का मन परिवर्तन हो और इनका दाम्पत्य जीवन तेरी महिमा से फिर से सफल हो जाए। हमारे देश पर, हमारी सरकार पर, सभी किसानों पर दया कर और हमारे सरकारी अधिकारियों को, शासकों प्रशासकों को, सभी नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान कर कि वे अपने लोगों की और रेवड़ की और अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए उनके साथ रह पाए। हे प्रभु, सभी गरीब किसानों की मदद कर, तेरी दया उनके ऊपर उतरे, उनके खेत खलियानों में तेरा मसा उतरे, उनके माल डंगर खेती बाड़ी के ऊपर तेरी आशीष बरसती रहे। जो इस वक्त बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसको आशीष दे। जो दुकान प्रभु खोल कर बैठे हैं, छोटे बड़े गैराज में बैठे हैं, बड़ी दुकानों में है प्रभु, जो खेत खलियान में है और जो कई बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस को आशीर्वाद प्रदान कर। जिनके काम बिगड़े हुए हैं उन्हें संवार दे और उन्हें पूरा करने की कोशिश की आशीष प्रदान कर। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। समर्पित हो जाएं प्रभु को, साष्टांग प्रणाम करें
और प्रभु के आशीष को हम ग्रहण करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, हुक्मे खुदा से वही पानी, बस मुर्दा हो बैठा था इसलिए, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खड़े रहो